हाय गाइस, वेलकम टू सीजनिंग थी। तो आज हमने देखा सबा का ब्लॉग, जिसमें वो मेहर की माँ का सच बता रही है। भाई, मेहर की माँ का सच बताने का तो इसे बड़ी चिंता है। इसने कहा, फ्रेंड्स आपने कमेंट करके नीचे लिखा मेहर की माँ के बारे में, तो हमने सोचा आपको बता दें। भैया, कमेंट करके तो आपको हजार चीजें पूछी जाती हैं, आपको हजार गालियां पड़ती हैं, उनका भी तो जवाब दो ना कभी। तो हम आते हैं इस मुद्दे पे, बने रहिए और आप प्लीज अपने कॉमेंट्स भी लिखियो और इस गधी के ऊपर भी कमेंट्स लिखते चले जाइए, क्योंकि कमेंट्स पढ़ती सारे हैं, फिर डिलीट करती रहती है भले, लेकिन पढ़ती तो सारे हैं, असर तो पड़ ही रहा है इसको, रातों की नींद तो उड़ी रही है। फ्रेंड्स सनी का हम गले लगा लिए। फ्रेंड्स ये देखो, ये कुली भैया बीच में आ गए हैं, हमारा सारा मोहब्बत था, इसने सीन बर्बाद कर दिया है। फ्रेंड्स हम क्या करें। फ्रेंड्स ये देखो, रसीद भाई भी आ गए, जिसको हमने भेजा था साथ में सनी पे नजर रखने के लिए महादा में जाके। बहुत लड़कीबाजी करता है फ्रेंड्स, अपने पुराने जो इनके आइटम है ना, उनके पीछे आगे पीछे दौड़ता रहता है। फ्रेंड्स अभी भी भूला नहीं है कुछ एक को, तो फ्रेंड्स इसलिए हम भेजते हैं हर एक आदमी को। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम घर आए ना, हमारी जो दीपिका भाभी है ना, जिनको हमने बहुत इस्तेमाल किया था, वो आई हुई थी। फिर हमने फटाफट उनको शूट कर लिया 2 मिनट के लिए। और देखो, हम 4 बजे आए वापस, और खाने पीने का आजकल हम दिखाते नहीं, हम ठूस ठूस के वहीं से आते हैं, इसीलिए तो हमारे वजन कम नहीं हो रहा है। तो चलिए, मुझे किसी ने बोला था कि मैं सबा की एक्टिंग ज्यादा ना करूँ, उसकी आवाज में मिमिक्री ना करूँ, अपनी आवाज में बनाऊँ। तो मैं मोस्टली उसकी अपनी आवाज में बनाती हूँ इसका पॉडकास्ट। ये देखो, अम्मी को तो नसीब हो गई है मीठे की। वो अम्मी और ये अम्मी की बेटी दोनों इतनी भुखड़ है, और आज मुझे काफी गुस्सा है, क्योंकि मैंने जो उसका ब्लॉग देखा है ना, वो बहुत ही घटिया लेवल का था। तो जब आएंगे उस पॉइंट पे तो बात करते हैं। तो ये दीपिका नाचने की जो आटे की वो बना के लेके आई है बर्फी, भैया अम्मी से नहीं टिका जाता बिना खाए पिए। अम्मी तो ऐसे लार टपकाती है बुढ़ापे में भी। और ये सबा भी, हाँ जिनको मीठा नहीं खाया जाता ना, उनको जरा सा भी मीठा नसीब हो जाए ना, उनको तो बहुत अच्छा होता है। हम एक ग्लास जूस ठूस के आ रहे हैं वहां पे। और इनके घर में जो ना औरतों का जो अंबार लगा हुआ है, 15 औरतें इनके घर में रह रही हैं। 15 नहीं तो मैं आपको काउंट तो करा देती हूँ। देखो, एक अम्मी है, अम्मी की 3 बेटियां हैं, हो गए 4। फिर हर एक इंसान, हर एक औरत की एक एक बेटी है, तो हो गई 7। तो 7 औरतें इनके घर में परमानेंट है, और एक मेहर बच्ची आई हुई है, जो जिनका ये जुलूस निकाल निकाल के पैसे कमा रहे हैं आजकल। तो अभी रेहान अपना हीरो बनती करता फिरता रहता है। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घूमने, बहुत दिन से हम घूमने नहीं जाए। फ्रेंड्स और देखो, मैंने पीछे आइसक्रीम दिला दी है, और रिजा से तो मुझे पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आप लोग बहुत तारीफें करते हैं रिजा की, इसलिए मैंने पूरी दुश्मनी निकालूंगी। मेरे ब्लॉग में सिर्फ मेरी तारीफ होनी चाहिए फ्रेंड्स, और मैं ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छे दुनिया में जहान में सबसे खूबसूरत मैं हूँ और सबसे अच्छी मैं हूँ। बेटू तुम बहुत प्यारी हो, तुम सबका ध्यान रखती हो। तो इसने ना क्या किया, पीछे आइसक्रीम दिला दी, साथ में रिजा को भी लेके घूम रही है। जो रिजा, मतलब 4 फ्रॉक है इसके पास, वो 4 फ्रॉक पिछले 3 साल से पहन के घूमती है, और एक काला दुपट्टा इसको उड़ा दिया है बस। तो घटिया सा काला दुपट्टा जो सभा पहन के वो उड़ती थी ना अभी, उसको रिटायर करके इसको उड़ा दिया बस। तू बेटा तू दुपट्टे में रह, और बच्चे के साथ आइसक्रीम 2 को दे रहे हो, तो तीसरे का तो मन करेगा ही ना। उसका तो एकदम कट डाउन कर दिया इन्होंने, सब कुछ कट डाउन। हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, बिगाड़ो भी तुम और फिर ड्रामा भी तुम करो। मतलब पहले इतना ज्यादा बिगाड़ा, ठूस ठूस के उन्हें आइसक्रीमें खिला रहे हैं, शेक पिला रहे हैं, आधी आधी रात को घुमाने ले जा रहे हैं, और अब सब कट डाउन। यहाँ सनी आ गया ससुराल, ससुराल में कितनी इज्जत हुई बेटा तेरी, तेरे को खाना मिला वापस आके, या क्या मिला होगा, या किसी ने उठ के तेरे सर पे भी हाथ फेरा? नहीं भाई, तेरे तेरे नसीब में इज्जत नहीं है ससुराल में, ऐसा ही होता है जब बंदा कमाएगा नहीं तो रोटियां सेकने आ गया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने। तो भैया सनी तो वापस आ गया, और ये हीरो बन रहा था। नहीं, ब्लॉग में सब लोग कह रहे थे मेरे बिना मजा नहीं आ रहा है, तेरे बिना मजा किसी को भी नहीं आएगा भैया। चालू कहते हैं, नहीं हम तो तुझे मिस भी नहीं किया, हमें तो बहुत मजा आ रहा था, अच्छा है, हम आराम से बच्चों के साथ बच्चों को यूज कर करके ब्लॉग बना रहे थे, हमें कोई नहीं मिस कर रहे थे तुझे। फिर हाँ फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, हम लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। भाई कह रहा है कि जब तक हम साथ साथ रहेंगे ना, तब तक हम दोनों का फायदा है। फ्रेंड्स बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, जिन्हें हम डिलीट करते रहते हैं, कि तुम लोग साथ साथ क्यों नहीं हो आजकल, एक दूसरे के ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रहे थे, और फ्रेंड्स भाई के व्यू डाउन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोनावाला ट्रिप पे जा रहे हैं, हम सबको सिखाएंगे लोनावाला कैसे बोलते हैं, हमें भी नहीं आता, हम लोनावाला बोलते थे। अल्लाह, ये तो हमारे मुंह से भी बड़े बड़े खरबूजे इतने शाइन मारते हुए, अल्लाह। तो सनी लेके आया है वहां से सामान महदा से, भैया पता नहीं ऐसे लेके आते हैं थैले भर भर के कि खरबूजे यहाँ नहीं मिलते, मुझे समझ नहीं आता है। खरबूजे और पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं गांव से, दाल वाल तो चलो ठीक है,
और घी, इतना सा घी तो ये एक दिन में निपटा देंगे, ऐसे भी क्या पता कि एक डब्बा घी आ रहा है उसके लिए इतने बावले हुए पड़े हैं। हाँ बेसन की बर्फी खा रही है, तोड़ लिया उसने, फिर उसे याद है, अरे नहीं ब्लॉग में तो ये बोलना था कि हम खा नहीं सकते, तोड़ के बोलती है हाँ हम खा नहीं सकते क्या करें, खा ली होगी पूरी 2-4 बर्फियां, और रिजा को बोलती है कि मत खाओ मत खाओ। तो यहाँ बैठ के दोनों जी ऐसे जैसे माता जी बैठ जाती है ना सामान दिखाने की, इतना बोर हो गए ना लोग इनसे, पता नहीं। देखो मैं बार बार कहती हूँ कि इनके ब्लॉग ना सिर्फ इन्हीं की कम्युनिटी देखती है, 90% इन्हीं की कम्युनिटी है। चलिए ठीक है आप लोग देखते हैं, लेकिन आप ऐसे चीजों को देखो जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो, आप लोग बोर नहीं हुए, ये सामान लेके आते हैं या माता जी बन के बैठ जाती है, एक एक सामान दिखाती है, कितने दिनों से चल रहा है, शॉपिंग करने जाएगी पहले शॉपिंग का ब्लॉग दिखाएगी, वहां पे खरीदते हुए नहीं दिखाएगी क्या खरीदे, फ्रेंड्स हम आपको घर जाके दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया, फिर बैठ बैठ जाएगी चौधराइन की तरह, फिर एक एक सामान दिखाएगी, और पीछे उसके सारे वो दिहाड़ी मजदूर बैठ जाएंगे वो उनको हाँ में हाँ मिलाने के लिए, भैया उनको भी तो पैसा मिल जाता है ना, फ्री के सूट फ्री के जूते फ्री के कपड़े, तो पूरा सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी आ जाइए इस बात पे, तो फिर ये कहती है फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे मेहर की माँ का क्या हुआ, फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेहर की माँ के बारे में कुछ बात करो, लोग हैं दुनिया में है नहीं है, तो आज हमने मेहर की माँ के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स आप ये कहते हो ना मेहर को लेके नहीं जाते, उसको उल्टी आती है फ्रेंड्स इसलिए हम नहीं लेके जाते फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेहर को ना ले जाने का जस्टिफिकेशन दे रही थी, विच इज फाइन, चलो वी एग्री की चलो उल्टी आती होगी नहीं ले जाते होंगे और घर में बर्तन मंजवाते होंगे, यहाँ ये पंचायत करने के लिए किसने बोला, ये होती कौन है मेहर की जिंदगी के बारे में बात करने वाली, अपनी जिंदगी के बारे में बात करो ना, अपना बताओ, चलो बॉयफ्रेंड बता दो, अपने बॉयफ्रेंड कितने थे, कौन सी तुम्हारे मोहदा में जाके फटते क्यों है, अपनी दादी के बारे में बता दो, दादी हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तुम अचानक से तुम्हारे पिताजी दुनिया में आ गए थे, दादी दादा के बारे में तो कभी नहीं बताया तुमने, लोग तो पूछते रहते हैं दादी कहाँ काम करती थी, कहाँ किसके घर में नौकर थी वो, दादी कैसे मर गई थी तुम्हारी बताओ, ये नहीं बताएंगे, लोग कमेंट करते रहेंगे तो वो डिलीट करते रहेंगे, लेकिन दो लोगों ने कमेंट कर दिया कि जला हुआ समोसा दीपिका को दे दिया, तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए आ गई, मेहर के बारे में माँ के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए आ गई। बेटा आमिर जागीर ने तुम्हें धोया था ना, आमिर जागीर ने बोला था कि कुछ लोग पैसे के लिए इतने लालची हैं कि वो जिंदा इंसान को ही मार देते हैं, तो तुम्हारी फट गई कि भैया आमिर जागीर कुछ और ना उगल दे, इससे पहले हम सफाई दे दे, तो फटी तो तुम्हारी सॉलिड है। और ये देखो बुआएं, ये बुआएं होती हैं दोनों लालची, ऐसे भुक्खड़ खानदान की बैठी हुई हैं, हमें सूट कपड़े मिल जाए चूड़ियां मिल जाए बर्तन मिल जाए इसके लिए हम हमें यहाँ मिलाते रहेंगे, तो बेसिकली जो इसने बोलती है हमने मेहर की कंसेंट ले लिया, भैया मेहर की कंसेंट होती नहीं है, 18 साल से छोटी है वो, उसकी कोई कंसेंट नहीं होती। हाँ तो मेहर क्या हुआ था तुम बताओ अपनी बात, तो मेहर बोलती है मैं जब पैदा हुई थी हमने अपनी माँ को देखा नहीं, फिर नाजा खाला कूद पड़ती है सफाई देने के लिए, जी हमारे कारी मामू है ना हमारे कारी भैया वो दिल्ली गए, फिर शादी करी पता नहीं क्या करा, और फिर ए बेटी हो गई, फिर माँ तो चली गई कहीं, फिर बेटी को लेके आ गए तब से पाल रहे हैं, और फिर बाद में बताती है इसने इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, और अभी इसकी एक और बनी सा है ना वो उसकी बहन है, लेकिन माँ अलग अलग है, तो कारी ही संभालता है बाप का जैसे प्यार, और फिर उसमें इतने कट्स लग रहे थे बार बार, उस सिखा रही होगी ना सब आने, ऐसा नहीं बोलना ऐसा बोलना है फ्रेंड्स ऐसा बोलो, अब मेहर को बोला होगा कि ऐसा बोलो तुम्हारी तीन तीन अम्मियां हैं, एक अम्मी नहीं तुम्हारी तीन तीन अम्मियां हैं, बेटी और नाजा और ये सारे, और आवा हमारी अम्मी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी तीन तीन अम्मी मिल गई है, ये रटा दी होगी उसे लाइन, आवा आवा भैया बहुत अच्छी अम्मी है वो तो दिख रहा है, आवा सिर्फ बात करने के लिए फोन चाहिए इनके पास, मतलब जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है आपको पता चल सकता है कि कितने इनके पास पैसे होंगे कि ये फोन करेंगे बैठ के आवा को, क्योंकि आवा हमें दिक्कत है, और आवा अपने आप को तो संभाल नहीं रही, अपना पति तो दूसरे ऊपर रह रहा है, अपने बच्चे तो इतने बिगड़े हुए हैं, बच्चे इज्जत कर नहीं रहे, वो इसको संभालेगी, बेटी खाला ने अपनी बेटी को कभी आज तक प्यार नहीं दिया, बेटी खाला ने अपनी बेटी से आज तक प्यार से बात नहीं की, अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखा, वो तो 4-5 साल के थे निकाल दिया, जो मर्जी करे दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है वो, और इस बेटी को संभालेंगी, आधे टाइम से आधा मुंबई में पड़ी रहती है और वो मोहता में रहती है मेहर, तो बेटी खाला इसकी माँ बन रही है, और नाजा खाला वो भोपाल में रहती है, वो तो बस अपना यहाँ माल बटोरने आती है हर बर्थडे पे हर ईद वीद पे, और वो माँ बनेगी, तो आप सब बताइए रटी रटाई लाइनें जो सिखा रही है ना अपनी इज्जत बचाने के लिए सभा, कि एक ब्लॉग बन जाएगा 2-4 लाख कमा लेंगे, मतलब थू है इस पे, आप लोग जो देख रहे हैं ना जो अंधे होके देख रहे हैं कि भाई सभा बहुत अच्छी है सभा बात अपनी बहुत अच्छी है, जो मेरे को लिखते हैं कि आप जेलस हैं इससे, बेटा मुझे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है,
आप अपनी आंखें खोल लीजिए, आपको अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। आपकी कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर मिल जाएंगे जो सही में आपको अच्छा अच्छी चीज दिखाएंगे, उनको सपोर्ट करिए। आप मत देखिए किसी और कम्युनिटी को सपोर्ट करना है तो मत करिए, आप अपना ही करिए, लेकिन ढंग के लोगों को तो देख लीजिए, सच्चे लोगों को तो देख लीजिए। इतने धोखेबाज जो एक छोटी बच्ची की पर्सनल लाइफ को ऐसे ओपन में लाके उसका मजाक बना रहे हैं। कारी मामू से इजाजत लिए, कारी मामू भी बेचारा क्या बोलेगा, खुद ही बोल रही है हमने कारी मामू को नहीं जॉब दिला दिया है, हम बहुत रईस हो गए हैं और इसलिए कारी मामू हमारे सामने मुंह तो खोल सकते नहीं, हम जो मर्जी बोले उनके बारे में। तो ऐसा होता है इनके साथ। अब देखो एक चीज है, अब ये ना कमेंट सारे पढ़ती है, भाभी का जला हुआ समोसा ये रेडिट पे बहुत चर्चा में चल रहा था, ठीक है, लोगों ने क्लिप भी लगा रखी थी और इसके बारे में भी आजकल लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं, मेहर बहुत अच्छी है, मेहर बहुत समझदार है, तो इसको तो जलन मच गई, मेरा ब्लॉग दूसरे की तारीफ कैसे, मेरे ब्लॉग पे तो मेरी तारीफ होनी चाहिए कि मैं हुस्न परी, मैं सबसे अच्छी, मैं मल्लिकाए हुस्न, मैं तो हूर की परी, मैं इतनी क्यूट, मेरी तारीफ होनी चाहिए, कि किसी और की कैसे हो सकती है। तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी, रिजा की होगी मैं रिजा की धज्जियां उड़वा दूंगी, मेहर की होगी मेहर को मैं पब्लिकली शेम कर दूंगी। तो अब सोचो ये बच्ची बड़ी भी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, आगे भी इसको मतलब लोग क्या किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती थी ये वाला पार्ट मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊं, बट मुझे किसी ने कहा था कि आप अलग अलग बनाती हैं, आप लालची हैं, तो देखो मैं लालची नहीं हूँ, मैं अलग इसलिए बनाना चाह रही थी कि वो डेडिकेटेड हो जाता और मैं उस पर लंबा बात कर सकती, बट चलिए मैं इस पर बात करती हूँ, बाकी चीजों को मैं कट शॉर्ट कर दूंगी। तो पहली बात तो मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि 1 महीने की बच्ची को एक इंसान अपने गांव ले आएगा, इसमें झोल है। और मैं इसमें आमिर जहांगीर से पूछूंगी क्योंकि मोहदा से वो ब्लॉग बनाता है, आमिर जहांगीर आप सामने आइए और ये इस बात का रिवील करिए। और ऊपर से कहती है ऑडेसिटी देखिए, नहीं सारे मोहदा में पता ही है, सारे मोहदा वालों को तो पता ही है। भैया मोहदा वालों को तो तुम्हारे किससे भी पता है, तुम्हारी रंग ले रलिया भी पता है, तभी तो तुम्हारी फटती है कि कुत्ता भी भाव नहीं देता, सारे दिन ऊपर कमरे में पड़ी रहती है डर के मारे, और बेटी घाला के घर भाग जाती है अपनी ननद आने के बाद, ऐसे डर डर के रही है वहां पे, और लास्ट दिन लड़ाई झगड़ा करके भाग ली वहां से। तो वहां पे तो तुम्हें पता है तुम्हारी रंगरलिया भी बहुत मशहूर है वहां पे मोहदा में, अपनी भी एक खोल दो जरा, दो चार किस्से, नहीं तो खोलेगा कोई ना कोई, हम ही खोल देंगे, हमें भी पता है बहुत सारे किस्से। तो वहां पे अपना नहीं बताएगी भैया, अपने बताओ तुम। तो उसका मेहर की माँ जो मेहर होगी साथ 11-12 साल की, 12 साल पुराने किस्से खोल रहे हैं। मैंने उसके इसके बॉयफ्रेंड वगैरह का जो वीडियो बनाए हैं तो लोग कहते हैं वो तो बदल गई है, आप पुराने किस्से क्यों खोल रहे हो। मैं 5 साल पुराने किस्से खोल दूं तो आप लोगों को इतना तकलीफ हो जाती है, वो मेहर के 12 साल पुराने किस्से खोल रही है जिसमें मेहर का तो कोई रोल भी नहीं है, मेहर का क्या गलती है, उसकी माँ थी साथ में नहीं थी, आप बताओ, अपने आप बताओ ना, सोच के बताओ। और ये बात प्रैक्टिकली नहीं है, सपोज कारी मामू इनका अगर दिल्ली में गए थे, वहां पे इनका किसी लेडी से अफेयर हो गया, शादी हो गई, जो मर्जी हुआ हो और बच्ची हो जाती है, अब आप बताओ कि 1 महीने की बच्ची को कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जनरली माँ ही लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बंदा 1 महीने की बच्ची बहुत छोटी होती है, ये इतना महान था क्या इसका पिताजी कि उसने अपनी जो भी है वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी थी उसको बोल दिया हाँ भैया तू जाना, जहाँ जाती है चली जा, मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा, और वो शराफत से ले आया। ये कहानी में बहुत बड़ा झोल है और मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी जब तक कोई और मोहदा का वो इसको कंफर्म ना करे। ये सब दोगले हैं लोग हैं जो सिर्फ झूठ पे चलते हैं, और इसका कहीं ना कहीं तरीका ना ये भी है, भाभी को भी शेड करते हैं क्योंकि भाभी के बारे में बहुत र्यूमर है ना कि वे उन्होंने भी अपनी बेटी छोड़ी, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया बच्ची का कैसा फील होता है। और भाभी चलो छोड़ दो, भाभी ना इतनी स्ट्रांग है वो अपने आप निमट लेगी इससे, और वो निमट भी रही है, उन्होंने देख लिया है, भाई ने जो किया है ना, भाभी ने स्पेशली दीपिका ने, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीपिका के बारे में आप क्यों नहीं बोलती। देखो मुझे ना लोगों में दिख जाते हैं चीजें, अच्छी है बुरी है सब में मिक्स होता है थोड़ा बहुत, उन्होंने दीपिका और शोएब ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, गांव से एकदम गवार से लोग थे, ना पैसा था ना कुछ था, ना अकल थी ना शक्ल थी, ये इन्होंने बॉम्बे ले आया था इसका भाई, और दीपिका ने पूरे खानदान का फाइनेंशियल खर्चा उठाया था और कई सालों तक के, तो इसकी किस्मत चमक गई कि ये पैसा मिल गया, वरना अभी भी वही उठा रही होती, कैसे भी करके वही संभाल रहे होते, भाई भाभी ही संभाल रहे होते, क्योंकि जब भाई भाभी के पास पैसा नहीं था ना तभी भी संभाला, तो उससे उनकी वो पता चलती है कि असलियत क्या है, मतलब उनमें ऐसा नहीं था कि किसी मतलब के लिए वो अपने बाप माँ बाप को संभाल रहा था, वो एक फर्ज संभाल के समझ के संभाल रहा था। तो अभी ये जहां से इसके पास थोड़ा सा पैसा आने लगा ना, इसने ऐसे रंग बदले हैं, और ना कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, तो डाउनफॉल होगा, डाउनफॉल हो या ना हो, यूट्यूब से भले ही इसको कितना भी पैसा मिलता रहे लेकिन भगवान के जो डिसीजन लेता है ना
वो अपने तरीके से लेता है कि सामने वाले की ना अकल आ जाती है, उसको अकल ऐसी आएगी कि इसको पता चल जाएगा। और मैं अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहती, सारे दिन औलाद दे करते रहते ना, तो अब आप समझ ही जाइए। तो इतनी कनिंग औरत है ये, इतनी, और ऐसे ऐसे समझते हैं जैसे इसे असर नहीं होता, ढीठ हो चुकी है। सनी तो बोलता ही है ना कि ढीठ हो चुकी है। अब देखो एक चीज होती है, ये लोग ना इतनी ज्यादा गरीबी से उठे हुए हैं ना, इतनी ज्यादा गरीबी से, सालों से, मतलब जब से पैदा हुए, गरीबी गरीबी गरीबी, दूसरों के मोहताज, उल्टा सीधा पैसा लेके भाग जाना, यही सब देखा है। तो अब इसने पैसा कमाना शुरू किया ना, तो इसे लगता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमें किसी की परवाह क्यों, हम क्यों किसी की कमेंट्स के बारे में सोचें, या हम क्यों किसी की इज्जत, या मतलब इज्जत तो इनकी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं, क्योंकि इन्हें इनके पूरे खानदान को कभी इज्जत मिली ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर इन्होंने हमेशा ही इस टाइप से इज्जत वर्ड को कभी समझा ही नहीं, तो फिर आज भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें लगता है पैसा तो आ ही रहा है, हमारे लोग मुंह पे थूक रहे हैं तो थूकने दो, ना इनके कोई रिश्तेदार हैं, और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं दो चार, वो इनको पैसे दिला के, सूट कपड़े बर्तन दिला के उनका खुश रखते हैं, वो मुंह बंद रखते हैं। बाकी ना इनके दोस्त हैं, ना इनका कोई सर्कल है, ना इनके कोई अड़ोसी पड़ोसी से इनका कोई लेना देना है, तो इनका तो काम चल रहा है, ना पैसे बढ़ रहे हैं, सास ससुर का मुंह बंद कर रखा है, पति गुलाम है, तो बस चल रहा है। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि मेहर का जब टॉपिक खत्म हो गया है, उस टाइम जब उसने पॉडकास्ट बना के ड्रामा किया था, तो अब शांति से बैठना। नहीं, चार कमेंट आए थे, चार लोग पूछ रहे थे, तो फिर हमने सोचा बता दे। चार कमेंट आए थे बेटा तुम्हारे ऊपर ना, 1 साल से हजारों कमेंट आ रहे हैं, तुम अपनी कहानियां तो बताओ, तुम मोहदा जाके क्यों डरते हो, किस कौन सी औरत मर गई थी तुम्हारे धमकियों से, क्या चक्कर था वो तो बताओ, वो तुम रोज कमेंट करते हैं। तो जो लोग इसका ब्लॉग देखते हैं ना, कमेंट करते रहिए करते रहिए कमेंट, क्योंकि ये कमेंट पढ़ती तो है, रातों की नींद तो उड़े थोड़ी इसकी, वैसे तो बहुत ढीठ मोटी चमड़ी है, कुछ नहीं उड़ने वाला इसका, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है 15 मिनट की तो नींद उड़े जरा, तो असली घबराहट किसे बोलते हैं, पता तो चले। दूसरों की जिंदगी को बारे में इतना उछाल रही है, अपना भी तो उछाले, नेहा फैजे उछालेगी इसका, नहीं तो फिर हम उछालेंगे, चुप थोड़ी ना बैठे रहेंगे हम लोग। तो चले गए, आगे बढ़ते हैं, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, बट ठीक है। आप लोग भी अपना बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, जो ये कर रही है बहुत सही कर रही है क्या, जो इसके सपोर्टर है ना, जो मेरे पास आके बोलते हैं मैं जेलस हूँ, उनसे मुझे मतलब आंसर चाहिए, कि लिखना जरा आपको अच्छा लगता है क्या जो ये करती है। उसके बाद ये पूरा ड्रामा मचा के बुआएं इनकी खे कर रही है, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिलता है ना, सूट कपड़े मिलते हैं, तो वो भी इनके हाँ में हाँ मिलाएंगी, उन्हें क्या लेना देना। तो अब यहाँ पे सब चल रहा था ड्रामा 1:30 बजे रात के, अगले दिन लोनावाला जाना है, नानी आते हैं चीखती हुई चिल्लाते हुई। नानी को मैंने 2-3 बार ध्यान से सुना क्या कह रही है, तो बेसिकली नानी कह रही थी, यहाँ तुम किसी को सोने नहीं दे रही हो, रात का इतना लेट हो गया, अगले दिन जाना है, तुम जाके अपनी नींद पूरी करो। तो सही कहा, और फिर ऊपर से हंस रहे हैं सब लोग, तो सही करा। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे डांटते थे जब हम लोग मतलब लेट नाइट अगर पिक्चर विक्चर देख रहे हैं, या लेट नाइट तक जगे हुए हैं, कि भाई सो ढंग से। तो भैया नानी वानी का किसी की कोई इज्जत थोड़ी इनके घर में, रात के ये देखो सनी यहाँ बैठा हो, नानी भी बैठ गई गिव अप करके, नानी आपका सूट दिला देंगे बैठ जाओ, नानी बैठ गई, 1:30 बज रहा है ऊपर देख लेना, और सनी अपना सामान दिखा रहा है, भैया उठ के सुबह दिखा ले, नहीं व्लॉग नहीं बना ना, सनी को भी तो व्लॉग का वो है चस्का, व्लॉग नहीं बना हमारा, व्लॉग बन जाएगा सनी, तू बैठा रहा यहीं पे। सनी दिखाता है सामान, सनी बेसिकली लेके आया था चूड़ियाँ। अब मैं बहुत शॉर्टकट में करती हूँ, और वो नाजा ने मांगी थी ना, नाजा खाला ने चूड़ियाँ, पाकिस्तानी चूड़ियाँ, पाकिस्तानी वर्ड तो नहीं बोला, बट नाजा ने चूड़ियां, भाई सनी जो इतनी बड़ी लाया तो अपने साइज की लाया लगता है, अपना पहन ले खुद, तू इसी लायक है चूड़ियां पहनने लायक है, तेरे मुंह में जवान तो है नहीं, जवान तेरी मोदा में थोड़ी बहुत निकल आती है, यहाँ पे तो तेरी जवान ही निकलती है, चूड़ियां वूड़ियां पहन ले वो दोनों हाथों में, पब्लिक थोड़ा कम बोलेगी तेरे बारे में। और फिर चल पड़ते हैं सुबह, हम ना जाने वाले लोनावाला, तो इनकी थोड़ी शॉपिंग करा देते, भैया शॉपिंग कराए बिना तो तुम कहीं नहीं जाते, ना तुम्हारा कुछ काम बनता, तो भाई इतनी सफाई क्यों दे रहे हो। चल पड़ी पूरी बारात शॉपिंग कराने, और ये अपना रिजा को दुपट्टा पहना दिया काला, भाई बहुत अच्छी बात है तुमने दुपट्टा उपट्टा पहना दिया, सही कर रहे हो तुम बिल्कुल। और जाके हमें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम वॉशरूम जाके वॉशरूम दिखा रही है, और वहां पे एक बंदी लड़की, मेरे को किसी ने बोला बंदी बंदा क्यों बोलते हो भाई, पंजाबी वर्ड है बंदा बंदी, तो वहां पे एक लड़की अपना मतलब यूज कर रही थी वॉशरूम, उसको भी शूट कर रही है, भाई ये किसी की प्राइवेसी को कैसे शूट कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स देखो ना कितने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहने हैं, काश हम भी पहन पाते। फ्रेंड्स क्या करें, लेकिन हमने तो हिजाब का नाटक कर लिया, फ्रेंड्स हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, फ्रेंड्स देखो ना कितनी मॉडर्न कपड़े पहने हैं उसने, काश हम भी पहनते, फ्रेंड्स क्या करें। तो वहां पे मतलब किसी को शूट करना विदाउट परमिशन गलत है बहुत ज्यादा, ये लड़की आके इस लाइफ पे तमाशा मचा सकती थी कि तुम शूट कैसे कर रहे हो मुझे, बट नहीं,
यहाँ पे फ्रेंड्स हम बैठ गए, ये मेरा गुलाम बैठा है, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मोहदा का प्रिंस है ये, ऐसा नहीं है, और मैं हूँ मीरा रोड की रानी। यहाँ पे अपने खाना वाना खाने बैठे थे, और फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दो, एकदम राजकुमार लग रहा है मेरा पति तो। और यहाँ सनी ने भी आकर एक बार नहीं बताया कि वो गया क्यों था मोहरा। बोलता ना कि मेरी बहन जा रही थी और मेरी बीवी जाने से मना कर दिया है उसने, क्योंकि मेरी बहन को पसंद नहीं है इसकी शक्ल। या ये बताओ ना सच्चाइयाँ, अपने घर की अपने जीवन की सच्चाइयाँ बनाओ, बताओ पब्लिक को। ब्लॉग तो तुम अपने नाम पे बनाते हो ना, सबा का जहान, सबा सनी का जहान, तो सबा सनी के घर की सच्चाइयाँ बताओ जरा, क्या चल रहा है मोहरा में तुम्हारे, वो क्यों नहीं बताते? उसके बारे में तो लोग बहुत कमेंट करते हैं, उसके बारे में तो मेहर से ज्यादा पूछते हैं। उसके बारे में हमें जानना है, हमें मेहर की जिंदगी के बारे में नहीं जानना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेहर की माँ कौन थी, कब थी, कहाँ थी और कहाँ चली गई, हमें तुम्हारे बारे में जानना है। जरा बताओ, खुल के बताओ, पूछो क्वेश्चंस। पब्लिक जो भी आप मेरे देख रहे हैं ना, मेरे ऑडियंस, मेरे फैंस, फॉलोअर्स, हेटर्स जो भी देख रहे हैं, इससे जाके पूछो जरा ये सब क्वेश्चंस, ताकि देखे कि फ्रेंड्स आपने 4-5 लोगों ने पूछा था, तो हमने फटाफट मेहर का तो बना दिया, और मुझे 1,500-2,000 कमेंट्स आए मेरे बारे में पूछने के लिए, मेरी ननद और मेरा ससुराल में मेरा क्या रिश्ता है, वहाँ पे क्या क्या होता है मेरे साथ, उसके बारे में आए, लेकिन हमने सब डिलीट कर दिया, उसके बारे में मैं मुंह भी नहीं खोलूंगी फ्रेंड्स। और यार देखो ये दीपिका और शोएब उधर बैठे हैं कॉर्नर में, बिल्कुल इनसे पूरा ये मंडली है ना जो इनकी, उनसे दूर। और मुझे ना, अब देखो आप जो मर्जी कहो, बायस कहो, अनबायस कहो, मुझे दीपिका और शोएब में इतनी कमियां नहीं दिखती अभी भी। और दीपिका ने जिस फैमिली के लिए जितना किया है ना, मैं सच बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, इसकी पहली शादी थी, इसका बच्चा था नहीं था, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जब से शोएब की लाइफ में आई है, जितना इसने अपना फाइनेंशियली और इमोशनली इन्वेस्ट किया है ना अपनी लाइफ का पार्ट, इतना कोई नहीं कर सकता। मतलब जितना इसने इस फैमिली के लिए किया है, सैक्रिफाइसेस मान लीजिए, या हेल्प कर ली मान लीजिए, या इतनी इज्जत दी है वो मान लीजिए, इतना कोई लड़की नहीं कर सकती, और ना ही करनी चाहिए। मैं सच सच बता दी, करनी भी नहीं चाहिए। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी सास ने, या जब इसका बच्चा हुआ, इसकी सास ससुर ने, या ससुर तो चलो छोड़ दीजिए, सास ने या सबा ने तो यहीं पड़ी रहती थी, कितनी मदद की। आज इसने अपनी माँ को बुला रखा है, तो चलो अच्छा है, माँ को तो रहने को तो मिल रहा है, चलो बच्चा संभालती है जो भी करती है, लेकिन इसे समझ तो आ गया ना कि मेरी सास वास सिर्फ पैसे के लालच में ही हमारे साथ थे। जब से पैसा कहीं और से आने लगा है, इन्होंने सबने रंग बदल लिए हैं। और सबा का रंग तो हमें दिख रहा है, तो हमें तो 15 मिनट के ब्लॉग में दिखता है सबा के रंग, तो आप सोचो वो तो 24 घंटे इसकी हरकतें देखती होगी, तो उसे तो बहुत कुछ दिखता होगा। तो इसने तो, दीपिका ने तो सही करा इनसे दूरी बना के। तो फ्रेंड्स फिर हम आ गए हैं दुकान में फ्रेंड्स, फिर हमने पापा के लिए जूते लेने थे, बच्चों के लिए सामान लेना था, हम फ्रेंड्स हम लेंगे अभी, और हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि घर जाके फिर क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स, फिर घर जाके हमें सारे पोटले खोलने हैं, एक एक करके एक एक बच्चों को बांटना है, वो वाला कंटेंट हमारा फिर मिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे घूमते फिरते ऐसे टाइम पास करते हुए दिखा देंगे, फिर घर जाके आपको दिखाएंगे एक एक चीज, एक एक लगा लगा के, हर बच्चा लगा लगा के दिखाएगा, तभी तुम्हें मिलेगा। हाँ 15 मिनट का ब्लॉग निकलना चाहिए मेरा फ्रेंड्स। भाई ने हमें बोला था 2.5 मिनट का चैलेंज है, तुम कितना मेकअप ले सकते ले लो फ्रेंड्स, मैं तो ब्लैंक आउट हो गई फ्रेंड्स। ऐसा तो मुझे तभी होता है जब मेरा कोई पास्ट बता देता है, तब घबराहट होती है ना, मोदा वाली ऐसी घबराहट हो गई थी फ्रेंड्स मेरी, और भाई ने मना किया था कि बोलना मत, पहले मैं बोलूंगा मेरे ब्लॉग में जाएगा फ्रेंड्स, और फिर देखो ना फ्रेंड्स, फिर मेरा वो वाला पार्ट ना अपने मेरे भाई के उस ब्लॉग में देख लेना फ्रेंड्स। आजकल हमने ऐसा कर लिया, भाई दिखाएगा मैं बोलूंगी, मैं दिखाएगा भाई बोलेगा, फिर हम लोग ये वाला ही करते हैं, भाई बोलता है सबा के ब्लॉग में देखना, हम बोलते हैं भाई के ब्लॉग में देखना, ताकि हम दोनों की दुकान चलती रहे फ्रेंड्स। भाई ने बोला है कि मेरी दुकान कम चल रही है आजकल, थोड़ा सपोर्ट कर रहे, और फिर फ्रेंड्स आपको पता नहीं भाई एक शो भी करने वाले हैं, तो उसे हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो फॉलोवर्स हैं वो ज्यादा सच्चे फॉलोवर्स हैं, भाई के फॉलोवर्स इतने अच्छे नहीं है, भाभी के तो सारे नकली है, क्योंकि भाभी भी नकली है, हम नकली हैं, लेकिन पब्लिक को पता नहीं चल पाता है आजकल। तो फ्रेंड्स इसलिए हम एक दूसरे का सपोर्ट करने लग गए हैं फिर से। आहा क्या जूस पिया है मैंने फ्रेंड्स, मजा आ गया। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी शक्ल है हमारी, कितनी सुंदर है, हुस्ने मलिका हुस्ने बहार, हम ही तो हैं फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स हम थक गए, और ये तो 24 मिनट्स का वो पॉडकास्ट बन गया फ्रेंड्स। अभी क्या करें, अभी मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी आ जाओ सारी पंचायत, आ जाओ बैठ जाओ मेरे दिहाड़ी मजदूरों पीछे पीछे बैठ जाओ, जल्दी से आके मैं एक एक पोटला खोलूंगी, उसमें से सामान दिखाऊंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हमने रात को क्या खाया वो दिखा नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत सारा माल ठूस के आए, वहाँ पे हमने दिखाया नहीं था आपको, लेकिन हम भर पेट खा के आए हैं फ्रेंड्स।
अरे नानी तुम क्या कर रही हो, नानी हटो, अरे तुम्हारी नजर उतार दो, औलाद दे दे भैया तुम्हें, जल्दी जल्दी औलाद दे दे भैया, सारे खानदान को ऐसा पड़ा है, औलाद दे दे, बेटी खाला नाजा खा ले, हाँ एक ही बार में दो दे दे, जुड़वा दे दे भैया, 8-10 बच्चे पैदा कर दो तुम, एक हर बार हर साल दो दो जुड़वा जुड़वा होते जाए, 10-12 तो हो जाए, कोई बात नहीं, सब लोग मिलके इतना सारा कंटेंट देंगे, और सारे दिन 10-15 साल तुम्हारा ब्लॉग चलता रहेगा, और सारे दिन बच्चा बच्चा दिखा दिखा के, हाँ हम भी चाहते हैं भाभी बच्चा दिखा के कितना कमा लेती है, आजकल हमारे भी बच्चा हो जाए तो फिर हम भी बहुत कमा लेंगे, फिर तुम्हें सनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाओ जी इतने सारे पोटले, और अम्मी जी अलग चल पड़ी हैं पोटले लेने अपने, ऐसा जा रहे हैं जैसे पता नहीं शादी में जा रहे हैं, लोनावला जाते हैं ये, हर रोज शॉपिंग करते हैं, अम्मा अब फलाना दुपट्टा नहीं मिल रहा था, दुपट्टा भैया इनके दुपट्टे कौन से कम पड़ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, और ये इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है, दीपिका का ही मुझे लग रहा है ब्लॉग देख रहे थे जो पता, फ्रेंड्स ऐसा है ना हम लोग आपस में तो बातें करते नहीं, हम एक दूसरे के घर में जाना अलाउड नहीं है, तो जो एक दूसरे की लाइफ में हो रहा था हम ब्लॉग से ही देखते हैं, फिर हम बताते हैं आपस में, आपका ब्लॉग देखा था आप ऐसे कर रही थी, आपका ब्लॉग देखा था आप ये कर रही थी, तो ये देखो हमारी माँ है ना पूरी मनोरमा से कम नहीं है, पूरी मनोरमा जैसी शक्ल है इनकी, और इनकी हरकतें भी ऐसी मनोरमा जैसी हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखती है और बहू को पूरा इस्तेमाल करके अभी दूर कर दिया, बहू के लिए कुछ काम नहीं करती, तो अपना अपना फायदा देखती है अम्मी तो पूरा, हाँ यहाँ पे बैठ जाते हैं, सब लोग आ जाओ भाई जूनियर आर्टिस्ट सबको, नहीं तो नहीं मिलेगी दिहाड़ी आज की, खाना पीना छोड़ दो, नानी बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ, मैं हीरोइनों में आगे रहूंगी, सब लोग मेरे बैकग्राउंड डांसर पीछे पीछे बैठ जाओ, हाँ तो ये जूते किसके हैं, मेहर के हैं ये जूते, ले मेहर, सनी तो सूट कर आगे से बैठ के, सनी तो अपना काम कर, और इनका वो कहाँ गया भैया, एक एडिटर रखा था इनका सौरभ, वो दिख नहीं रहा आजकल, काम छोड़ के चला गया क्या, जो सनी का जरूरत पड़ गई एडिटर बनने की, सनी करेगा नहीं ऐसे ये सब काम, सनी का सनी के बस का काम वाम नहीं है, तो यहाँ जी अच्छा जी ये टॉप किसका है, एक ये टॉप ले आया कितने से, स्विमिंग पूल में जाने के लिए, स्विमिंग पूल में, अब ये देखा सारी की सारी ये 7-8 औरतें ना पानी में जैसे जोड़ में उतरती है ना वैसे वैसे उतर जाएंगी सारी की सारी, वहां पे स्विमिंग पूल जाएंगे ना, लोनावाला का रिजॉर्ट वाला जो ओनर होगा वो भी सोचेगा भैया भैया ट्रिपल फीस लूंगा मैं तुम्हारे 1 दिन के स्टे के लिए, और ये लोग भी कहा ट्रिपल कोई बात नहीं 4-5 गुना ले रहे भाई, हमारे यहाँ 3-3 कैमरे चलेंगे, 3 कैमरों में तो हम इतना कमा लेंगे, 1 दिन में 2-2 2.5 मिलियन आएंगे, और हम तो 10 लाख, मैं कह रही हूँ 3 कैमरे से शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे ना 10 लाख इनकी इनकम हो जाएगी पर डे की, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ता, पूरा स्विमिंग पूल क्लीन करा के पूरा वैक्यूम पोछा लगवा के नया फ्रेश पानी भरवा लेना, लेकिन हमारे सारे 7-8 औरतें पूरे पूरे कपड़ों में फुल फ्लैजेड कपड़ों में अपना हिजाब विजाब बांध के उतरेंगी कपड़ों सहित पानी में, वहीं पड़ी रहेगी, वहीं समोसे कचौरियाँ और वहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे, और फिर बंदे घूमेंगे उसके अंदर, तो अब वहां जाके देखना है क्या गंद मचाने वाले हैं और कितना नौटंकी मचाने वाले हैं, और वे गिफ्ट लाई हैं गिफ्ट, अल्लाह इतने सारे गिफ्ट, अल्लाह पीछे 3 लड़कियां बैठ गई हैं, सारी औरतें बैठ गई हैं, भैया इनकी नौटंकी मतलब इतनी मोनोटोनस हो चुकी है कि झेले नहीं झेलती, फिर कई लोग कहते हैं कि अरे आप और कुछ क्यों नहीं बनाती, भाई मैं बनाती हूँ देखो, अब मैंने वो बनाया वड़ा पाव वाली का, लोग देख ही नहीं रहे हैं, अब आपको देखना ही वही सब क्रिंज है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैंने अब यूट्यूब का चैनल खोला है तो कुछ तो करूंगी ना, अब ऐसा थोड़ी जाने देंगे, तो जो आपको देखना है हम वो दिखा देंगे, जब आपको ड्रामा देखना है इन्हीं का तो आप इन्हीं का ड्रामा देखिए, सनी बैठा कोने में भैया तेरा यही जिल्लत भरी जिंदगी, तेरा कोने में बैठा रहा कर, तू और कुछ काम मत करा कर, और यही है फ्रेंड में बहुत काम करके आया हूँ, फ्रेंड में थक गया भैया, तू 9 औरतों के साथ बैठा रहा कर कोने में, रेहान तो अपना रूम में पड़ा रहता है, कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस देने आता है, क्योंकि तो वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करता होगा, यार दोस्तों से बातें करता होगा, फोन में लगा बैठा बैठा रहता होगा, रील्स वील्स देखता होगा, तू यहाँ ड्राइंग रूम में बैठा रहता है लिविंग रूम में, और इसने गेस्ट अपीयरेंस मार दी, अपना बैग लेके आया हीरो, पूरा क्लीन शेवन चेस्ट लेके आया, भैया इसको तो हीरोगिरी से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इसकी माँ ने तो कोने में बैठी रहती है, उन्हें पता भी नहीं है, तो भूल भी गई होंगी उनका बच्चा है, इन्हीं के भाई ने बिगाड़ रखा है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ये बंदा भाई का मतलब कि ही थोड़ी बहुत सुन ले, ये बंदा इस घर में पानी ना पकड़ा है किसी को, ऐसा है इसको तो पड़ा चढ़ा चढ़ा के रखा हुआ, लड़के को लड़कियों को ऐसे दबा दबा के रखते हैं लोग, ये देखो इसके जो ब्लॉग पे कमेंट आया हुआ है कि मतलब आप लोग दूसरों की लाइफ के बारे में तो इतना बोलते हैं, अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते, जैसे आप पढ़ लेना यही लिखा है बेसिकली इसने कि दीपिका की लाइफ में इसकी बेटी है तो उसके बारे में तो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आइए ना जवाब दीजिए, उसके बारे में कोई नहीं बोलते, वो तो इतना टॉपिक उछाला था, मीडिया ने भी उछाला था, लेकिन वो चुप बैठे रहे, 2 कमेंट किसी ने कर दिए जला समोसा और मेहर की माँ के बारे में, तो फटाफट आंसर करने आ गए, तो पता चलता है ना हिपोक्रेसी तुम्हारी कितनी ज्यादा है। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ब्लॉग, अच्छा
लगा मेरा मुंह सूजा हुआ है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही सूज गया है, खाना नहीं खाया था हमने 3 दिन से, कुछ भी नहीं खाते फ्रेंड्स। और प्लीज प्लीज अब तो भीख मांग रही है भी फ्रेंड्स की, हमारे पास सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट भी करना। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना फालतू चीज़ों के लिए कमेंट, आपको पता नहीं है लेकिन आप कमेंट करते हो ना तो हमारी व्यूअरशिप बढ़ती है, हमारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए कमेंट कर दिया करो। गंदे करो, अच्छे करो, पूछो जो मर्जी पूछो, मेहर का पूछो, मेरा पूछो, जो मर्जी पूछो, पूछते रहो बस आप पागलों की तरह हमसे। तो गाइस इतना था इसका व्लॉग, और ये जाएंगे लोनावला और मैं इनके कोशिश करूंगी मैं तीनों का देखूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तीनों का देखूं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तीन पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे तीन ही बनाने पड़ेंगे ना इंडिविजुअली सबके, और मैं ना मेरे पास इतना टाइम है ना मैं चाहती कि आप लोग इतना ज़्यादा टाइम निकालें कि आप तीन पॉडकास्ट पहले उनके देखें, मतलब तीन ब्लॉग उनके देखें और तीन पॉडकास्ट मेरे देखें, या दो ब्लॉग उनके देखें और मेरे पॉडकास्ट देखें दो। इतना टाइम सच बता रही इस इब्राहिम फैमिली के लिए मत निकालिए, आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं, कुछ और सुन सकते हैं। आप सिर्फ एक पकड़ लो इन तीनों में से, एक नमूना पकड़ लो और उसी को ही देखो। आप सच बता रही हूँ, अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम इस पे वेस्ट मत करिए। बहुत ही फ्रॉड फैमिली है जो किसी तरीके से होता ना लग्ड आउट हो गई, जो पैसा कमा रहे विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी एजुकेशन, जस्ट एक कम्युनिटी पे रिलीजन का कार्ड खेल के, वो भी रिलीजन का कार्ड भी खेल रहे हैं क्योंकि असली में फॉलो भी नहीं करते हैं। अगर सोचो ना असली फॉलो करता है, असली हिजाबी हो ना कोई, तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, ये तो वो भी नहीं है। तो आप इन पर ज़्यादा टाइम मत लगाइए, और इसीलिए मैं एक ही बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा इनके पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड ये लड़की है सबा इब्राहिम, इसलिए मैं सिर्फ इसी का बनाती हूँ। फ्रेंड्स आपको दिख रहा है हमारे बाल हमने कलर कराए थे फ्रेंड्स, या तो हमें कोई भाव भी नहीं दे रहा, आप ही दे दो थोड़ा बहुत प्लीज़, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए हैं, आप आ जाइए। देखो हम खाना खा रहे थे, जूस पी रहे थे, कोई हमें देख भी नहीं रहा, सेल्फी भी नहीं खिंचाने आ रहा फ्रेंड्स, इसीलिए हमने बाल कलर कराया ताकि हम थोड़े से हैंडसम लगे, स्मार्ट लगे, सुंदर लगे। वैसे तो हम बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़े से और खूबसूरत बनना चाहते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस दैट वाज माय रीजन दैट शी इज एक्सट्रीमली फ्रॉड, दैट्स व्हाई आई मेक माय पॉडकास्ट ओनली ऑन हर। तो चलिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।